अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, अपडेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट बन रही है वीडियो के एंड तक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कंप्लीट अपडेटेड रिक्वायरमेंट पता लगे। और कोई भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरीज होती है, आपको सिंपली आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, हैंडल किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आप हमें तो फॉलो जरूर कर लें। और आपको पेपर्स और पेपर सिर्फ और सिर्फ मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे पेपर अवेलेबल है, जो भी अपडेटेड वांट पेपर होता है रिक्वायरमेंट का पेपर टेलीग्राम पे अवेलेबल मिलेगा आपको। और टेलीग्राम का लिंक सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये ध्यान दें बात को। और हर एक कंट्री के बारे में हमारे चैनल पर अवेलेबल है जानकारी, कौन कौन से कंट्री का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और कौन कौन से स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से स्टेट में जेन्युइन कंसल्टेंसी जिसके थ्रू आप काम करा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी फ्रॉड होने का चांस नहीं है उसमें। तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कोची, चेन्नई, हर एक जगह के कंसल्टेंसी का यहाँ पे वीडियो अवेलेबल होता है। प्लीज़ वीडियो जरूर चेक कर लें अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो। कोई भी डाउट्स है आपका, कौन से ऑफिस जेन्युइन है नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए पूरी अपडेटेड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। और कुछ लकी विनर है, दो लकी विनर पिछले वीडियो को, तो इसके बारे में बात करेंगे, लकी विनर के बारे में बताएंगे, प्लस कमेंट्स, अगर पिछला जो भी कमेंट्स है उसको रीड करेंगे। अगर आपका भी कोई कमेंट्स है तो बन रही वीडियो के एंड में उसका आंसर इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अपडेटेड रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे, अपडेटेड रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे, कुवैत का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, ये जूम के थ्रू इंटरव्यू होने वाला है, कुवैत का ये रिक्वायरमेंट है। व्हील अलाइनमेंट टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है, ग्लास फिटर कार के लिए चाहिए यहाँ पे, स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है, पिकर, हेल्पर एंड टेली क्लर्क की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर पब्लिश की गई है। और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा आपको पेपर में, कंप्लीट डिटेल्स है, रीड कर ले अच्छी तरह से, पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। कैंसर्स की बात करें, कैंसर्स मैन पावर एक्सपर्ट ये अच्छी कॉन्सल्टेंसी है, केरल की रजिस्टर्ड कॉन्सल्टेंसी है। जी हाँ, ये हालांकि इसका जो रिव्यू है वो उतना तगड़ा नहीं है, 1000+ नहीं, ये 100.5 है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, कॉन्सल्टेंसी अच्छी है, वो भरोसा कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक पैसे लेन देन का मसला, तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहे किसी भी कॉन्सल्टेंसी में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया प्योर वेवर इंडस्ट्रीज़ कंपनी का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट ना हो। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है, कंपनी डायरेक्ट वीज़ा मिलेगा आपको। और पोजीशंस की बात करें, कौन कौन सी पोजीशंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वैन सेल्समैन का रिक्वायरमेंट, डिलीवरी ड्राइवर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। वैन सेल्समैन का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया, जीसीसी का लाइसेंस होना चाहिए सऊदी का वैलिड और एक्सपायर कोई भी होगा चलेगा, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, FMCG के कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया 25 से 35 साल तक का एज लिमिट है। यहाँ भी सेम कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया डिलीवरी ड्राइवर का, अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में यहाँ कंप्लीट डिटेल्स बताया गया। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है शॉर्टली, बहुत ही जल्दी क्लाइंट इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी अवेलेबल है। कोई भी डाउट्स को भी क्वारीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें, मुंबई, कोची, चेन्नई, कोलकाता कहीं भी हैं तो आप सिंपली कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। इमीडिएटली डिपार्चर होगा, ज्वाइनिंग टिकट बाई कंपनी, कंपनी हर कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी। नासर ओवरसीज की बात करें, बहुत अच्छी बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी, 100% जेन्युइन है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एड्रेस देखें, यहाँ पे हेड ऑफिस दिल्ली है, प्लस कोची में भी इसकी ऑफिस है, हेड ऑफिस ये मुंबई है, मुंबई की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी। देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मुंबई की है और यहाँ पे दिल्ली का भी एड्रेस मेंशन किया गया, कोची का भी एड्रेस मेंशन है, तो आप कहीं भी अवेलेबल है सिंपली विजिट कर सकते हैं, ऑफिस हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर। तो जरूर अप्लाई की बात करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे नासर ओवरसीज़ की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट और भी पब्लिश किया गया जो कि दोहा कतर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रिप्यूटेड ग्रुप ऑफ कंपनी रेडिएटर सोल्डिंग टेक्नीशियंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट, रेडिएटर हीट एक्सचेंजर का रिक्वायरमेंट है, एसी ऑटो एसी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट, ऑटो एसी टेक्नीशियन यहाँ पे एक्सपीरियंस 5 साल या 8 साल का होगा तो भी चलेगा। पेंट मिक्स टेक्नीशियंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो पेंट वगैरह मिक्स किया जाता है आपको पता ही होगा। मीडियम ट्रक ड्राइवर एंड ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से रीड कर ले। कोई भी अप्लाई करने के पहले, जॉब में अप्लाई करते हैं उसके पहले डिस्क्रिप्शन जरूर रीड कर लिया करें। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ बताया गया, सैलरी भी मेंशन की गई है, प्लस अप्लाई करने का प्रोसेस,
यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल, मेल के थ्रू मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे ऑफिस विजिट करें, क्लियर करें, या फिर बाई मेल आप क्लियर कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें, नासर ओवरसीज कंसल्टेंसी, जेन्युइन कंसल्टेंसी, एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया, मुंबई में अवेलेबल है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी। और रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करना है, देखिए हमने पहले बताया था, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते हैं डेली, तो उनके लिए भी जानकारी बहुत ही जरूरी है, जानना ये बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, मुंबई, ये मुंबई की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, 1000+5 है, ये 1000+5 है, ये अच्छा रिव्यू है, 1000+5 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसको भरोसा कर सकता है। और ये कब की रजिस्टर्ड, 84 की कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है, यानी पुरानी कंसल्टेंसी से भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी इसके अलावा भी कोई डाउट होता है सिंपली आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, इनशाला कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। ITL की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर इटालियन कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है, इटालियन कंपनी का रिक्वायरमेंट है। कैटेगरीज क्या है, ब्रांड प्लस मॉडल यहाँ मेंशन किया गया। देखिए बैकहॉल लोडर का यहाँ रिक्वायरमेंट है, बुलडोजर का रिक्वायरमेंट है, न्यू हॉलैंड होगा ये ब्रांड यूज़ करना है आपको, कैटरपिलर हो सकता है इसमें, ये मॉडल है, ये मॉडल चलाना है। तो ये पूरा डिटेल्स उन्हें बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से बताया गया। एक्सीवेटर में कौन सा एक्सीवेटर आपको चलाना है, हाईटेच चलाना है, कैटरपिलर चलाना है, न्यू हॉलैंड चलाना है, हाईटेच का अलग अलग मॉडल है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर आप इसे चला पाएंगे तो ही अप्लाई करें, अगर नहीं चला पाएंगे तो अप्लाई ना करें। यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया गया, कंप्लीट अच्छी तरह से देख ले वीडियो। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ मेंशन किया गया, अप्लाई करने की अगर बात करें यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल, मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। सूटेबल कैंडिडेट एंड सेंड योर अपडेटेड मेल, तो सूटेबल कैंडिडेट आप खुद रीड कर खुद से देख सकते हैं कि सूटेबल आप हैं या नहीं है। और कंसल्टेंसी की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेनिंग अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करेंगे, ये जेन्युइन कंसल्टेंसी 100% जेन्युइन है और टॉप कंसल्टेंसी में इसका नाम था। FMCG जॉब अपॉर्चुनिटी है, सऊदी की तरफ से कुछ सऊदी का रिक्वायरमेंट है। और ये जेरी वर्गीज, जो कि टॉप कंसल्टेंसी में इसका नाम आता है जेरी वर्गीज का। बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जूनियर प्रोडक्शन मेंटेनेंस टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, लाइन इंस्पेक्टर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको, ये जो जॉब कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब भी अप्लाई करें जॉब कोड जरूर मेंशन करें मेल के अंदर कि हाँ इस जो इस पोजीशन का और इस जॉब कोड के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिप्लाई आने का चांसेस बढ़ जाता है। बस बात करें रिक्वायरमेंट की, तो मैकेनिक का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, फोर्कलिफ्ट टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, सर्च एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। यहाँ पे फोर्कलिप ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियंस, बुलडोजर, बॉयलर ऑपरेटर, फैसिलिटी सुपरवाइजर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश की गई है। अप्लाई करने के प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे आप डायरेक्ट वेबसाइट विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब कोची, चेन्नई, बड़ौदा, मुंबई में है, तो यहाँ पे सिंपली मेल आईडी अवेलेबल है, मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई का ये मेल आईडी है, और ये कोची का यहाँ पे मेल आईडी देख पा रहे हैं आप, चेन्नई का मेल आईडी अवेलेबल है, बड़ौदा का मेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की बात करें, तो कंसल्टेंसी के बारे में कुछ पूछना नहीं, 100% जेन्युइन, आँख बंद करके तो भरोसा कर सकते हैं। अगर एडवांस कंसल्टेंसी पूछती है तो आँख बंद करके आप दे सकते हैं, कोई पेपर की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, ITL की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, जो कि त्रिची का, ये त्रिची में ये एक इंटरव्यू होने वाला है। त्रिची आपको पता ही होगा कहाँ है, अगर नहीं जो हैं बंदे उनको पता है, जो नहीं है खैर उनकी बात अलग है। सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है। और डिटेल्स अगर इसकी बात करें, इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेक्नीशियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट, ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस एंड मूविंग डोर के लिए चाहिए। यहाँ पे HVAC टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट, एयर हैंडलिंग यूनिट, फैन कॉयल यूनिट एंड वैन स्प्लिट यूनिट, पैकिंग यूनिट एंड बहुत से, पूरा डिटेल पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट, फायर अलार्म टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, प्लम्बर, पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन, एलिवेटर टेक्नीशियन, वेल्डर के भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे। कंप्लीट डिटेल आप पढ़ लें, अगर आपके जॉब का कुछ है तो आप इसमें जरूर कंप्लीट डिटेल्स पढ़ लें, रीड कर लें अच्छी तरह से। वेल्डर में कॉपर एंड एल्युमिनियम वर्क के लिए चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, एल्युमिनियम टेक्नीशियंस, एग्रीकल्चर वर्कर, वर्क ऑर्डर कोऑर्डिनेटर, क्लीनर, ड्राफ्टमैन, टाइल्स वर्कर, मेशंस की रिक्वायरमेंट है, प्लास्टरिंग वर्कर, कारपेंटर एंड पेंटर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पब्लिश की गई है। आप जितने तक पूरा डिटेल पढ़ ले, पेपर चाहिए, पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी कैंडिडेट है इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस तकरीबन होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल, गल्फ एक्सपीरियंस प्रिफर्ड किया जाएगा यहाँ पे, गल्फ एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया। और कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। तमिलनाडु पे जो इंटरव्यू होने वाला है, ये तमिलनाडु का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, विजिट कर सकते हैं। और ये कंसल्टेंसी इंडिया, सऊदी, UAE, बहरेन, कतर, ओमान, फिलिपीन, नेपाल, मलेशिया, हर जगह अवेलेबल है, तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो, तो ज़रूर अप्लाई करें।
एम घी वाला ग्लोबल की बात करें, अच्छी और जेन्युइन कंसिस्टेंसी है सऊदी का रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और निकल गया है अभी कुछ दिन के अंदर, ये बात क्लियर हुआ है कि जो अर्जेंट यहाँ पे मेंशन किया जाता है अर्जेंट रिक्वायरमेंट और यहाँ डेट मेंशन नहीं है, तो इसमें क्या पासपोर्ट ना फंसा है। ये कंसिस्टेंसी की बात नहीं करें, किसी भी कंसिस्टेंसी में अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेंशन किया गया उसमें डेट नहीं है इंटरव्यू का, तो उसमें पासपोर्ट ना फंसा, उसमें क्या बहुत टाइम लग सकता है शायद। तो ऐसा भी बहुत सा रिपोर्ट आया है, बहुत सा कमेंट्स आया है। तो यहाँ देखिए ये रिपोर्टेड कंपनी का रिक्वायरमेंट, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, सऊदी अरब का फ्री रिक्वायरमेंट है, गर्ल्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे फ्रेशर का चांसेस नहीं है। पाइप फिटर, टैंक क्लीनर, बूम ट्रक ऑपरेटर, सुपर सकर ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल फिटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, टिग एंड आर्क वेल्डर, मैकेनिकल फोरमैन, जूनियर क्वांटिटी सुपरवाइजर, हेवी ड्राइवर, लेबर, मैकेनिकल हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिक फिटर, सैंड ब्लास्टर, स्कैफोल्डर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, परमिट रिसीवर का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। इसके अलावा प्लेट एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है, प्लस हाइड्रो टेस्टिंग टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट, सैंड ब्लास्टिंग एंड पेंडिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट। मिनिमम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटेनेंस स्टोरेज टैंक रिक्वायर फॉर द ऑल पोजिशन, शुड हैव होल्ड ITI डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए, कम से कम तो ITI होना ही चाहिए आपके पास में। अगर सब आप एलिजिबल हैं इसके अकॉर्डिंग सेट बैठते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल ID अवेलेबल है। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज है कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, क्लियर कर सकते हैं। अप्लाई करने का एक सिंपल सा प्रोसेस हर बार हम बताते हैं, इस बार ही बता दें आपको। ध्यान रखें, जो भी नए कैंडिडेट पहली बार अगर जो भी विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, नए सब्सक्राइबर या विजिटर जो भी हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए अपडेटेड CV, पासपोर्ट को भी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेल करें और पोजीशन जरूर लिखा करें सब्जेक्ट लाइन में आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसमें क्या ऐसे क्या रिप्लाई आने का चांसेस ज़्यादा होता है। MG वाला ग्लोबल की बात करें, अच्छी कंसल्टेंसी बेहतरीन है, तारदे रोड मुंबई में अवेलेबल, मुंबई की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी, 1000+5 है, 2013 की कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया है नासर ओवरसीज़ की तरफ से, कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि फैक्ट्री लेबर का रिक्वायरमेंट है। बहुत से भाई हमारे बता रहे थे हेल्पर या लेबर का कुछ रिक्वायरमेंट है तो बताएं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द अल फहरा डेट्स फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे खजूर की कुछ कंपनी है उसका रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब का। यहाँ पे वैकेंसीज इन लार्ज नंबर में, फैक्ट्री लेबर की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट के पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव फिजिकली फिट, तो 30 साल तक का उम्र होना चाहिए, 23 साल से लेकर 30 साल तक का उम्र होना चाहिए। कम उम्र वाले भी नहीं लगेंगे और ज़्यादा वाले भी नहीं चलेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू कहाँ होने वाला, लखनऊ में इंटरव्यू होने वाला है 23 तारीख को, लखनऊ में होने वाला अक्टूबर एंड कलकत्ता में होने वाला है 24 तारीख को। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया क्लाइंट इंटरव्यू इन लखनऊ ऑन 23rd अक्टूबर इन एंड कलकत्ता 24 अक्टूबर। तो यहाँ पे कोलकाता या लखनऊ में अवेलेबल है तो सिंपली आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स होता है, क्वारीज होता है, कॉन्टैक्ट करें, क्लियर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। नासर ओवरसीज़ की बात करें, अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, देखिए 1000+5 है, ये मुंबई की रजिस्टर्ड है, 1000+5 है, 84 की कंसल्टेंसी है, 84 में, ये 1984 में रजिस्टर्ड हुआ था कंसल्टेंसी, तो भरोसा कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पुरानी कंसल्टेंसी है। और दो बंदे जो पिछले वीडियो के जो लकी विनर उसके बारे में बात करते हैं, फिर बाकी का रिक्वायरमेंट आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए ये 19 अक्टूबर का ये हमारा ये वीडियो है, इसका यहाँ पे सिंपली URL कॉपी कर लेते हैं और ये URL कॉपी करके चलेंगे गूगल पे, हम पेस्ट करेंगे और वहाँ चेक करेंगे लकी विनर कौन है। तो गूगल पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे सिंपली हम चेक करेंगे कमेंट पिकर, और कमेंट पिकर ऑन करेंगे यूट्यूब कमेंट पिकर, और यहाँ से चेक करेंगे लकी विनर कौन है हमारे। तो देखें यहाँ पे कमेंट पिकर कुछ आ रहा है, तो हमारा कहाँ गया यूट्यूब रेंडम कमेंट पिकर यहाँ पर है, तो इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ था URL, यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे जो दो लकी विनर है कौन है पिछली वीडियो के लकी विनर। अगर आप भी लकी विनर में शामिल होना चाहते हैं तो टाइप करें #भोजपुरीवर्ल्डसिवान। कैसे टाइप करना चलिए वो भी आपको हम बताते हैं इसी वीडियो में। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ टाइप करना है ऐसे #भोजपुरीवर्ल्डसिवान। तो चलिए हमने ये टाइप किया हुआ है और इसके बाद हमने चेक करते हैं गेट यूट्यूब कमेंट्स। तो कमेंट्स चेक करते हैं, 9th कमेंट है जो रैंडम कमेंट्स है जो कि यूनिक है, पिक किया गया। तो चलिए 9th कमेंट में विनर कौन है स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं विनर को। इमरान अली हैदर ये है हमारे पहले विनर। तो इमरान अली हैदर आप हमें सिंपली कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका विनिंग अमाउंट है अब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन है लकी विनर।
ये चांद अली जय जवान जय किसान, तो ये सिंपली हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पेटीएम नंबर हमें मैसेज करें, जो भी विनिंग अमाउंट है अब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। चलिए फिर चलते हैं वीडियो पे, पूरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया नासर ओवरसीज़ की तरफ से, ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरब का ये रिक्वायरमेंट है, जिसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फूड बिहेवियर फेमस मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन डिफरेंट ये जूस ड्रिंक एंड इसका कुछ क्या ये कंपनी है, तो सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेल्स सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट, वैन सेल्समैन का रिक्वायरमेंट एंड ट्रेलर ड्राइवर का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। कंप्लीट डिटेल्स पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो चाहते हैं वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, आपका भी वक्त बचे, हमारा भी वक्त बचे और पूरा का पूरा काम भी हो। तो यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट बहुत ही जल्दी होने वाला, बट डेट मेंशन नहीं किया गया, तो थोड़ा इस चीज़ को आप वेरीफाई करके उसके बाद अप्लाई करें, कब का इंटरव्यू होने वाला, कैसे क्या है कंप्लीट प्रोसेस। तो पासपोर्ट जल्दी जमा ना करें, कोशिश करें सीबी से ही काम चले तो बेटर है। जहाँ इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू का डेट कंफर्म किया गया वहाँ पे पासपोर्ट दे सकते हैं आप। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल, मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है। बात करें नासिर ओवरसीज कंसल्टेंसी की, तो अच्छी और जेन्युइन कंसल्टेंसी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, यहाँ पे सऊदी का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया है जो एनएसएच की तरफ से, ये रिक्वायरमेंट नासिर अल हाजरी, नासिर अल हाजरी का सऊदी का रिक्वायरमेंट। तो आप हमें ये बताएं मैसेज करके, कमेंट्स करके कि नासिर अल हाजरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपका क्या कहना है, क्या राय है। बाकी का डिटेल्स मेंशन हम आपको ऑफिस बता देंगे, ये ऑफिस एशिया पावर मुंबई से रिक्वायरमेंट है, अगर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी हमें ज़रूर बताएं इस कंपनी के बारे में कि आप किस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, इसमें जाना चाहिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया गल्फ का ही रिक्वायरमेंट है, बट कंट्री मेंशन नहीं किया है, कैंडिडेट वैक्सीनेटेड होने चाहिए, ये इसमें कैटेगरी मेंशन किया गया है। इसमें कंडीशन है, स्प्रे पेंटर का रिक्वायरमेंट है, एसटी ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, आरओ ऑपरेटर, डम्प ड्राइवर, स्टील फैब्रिकेटर, लिफ्टिंग सुपरवाइजर, वाल्व कोऑर्डिनेटर, रिगिंग सुपरवाइजर, हाइड्रोलिक मैकेनिक, ईओटी क्रेन टेक्नीशियन, बूम ट्रक ऑपरेटर, एचवीएसी कंट्रोल टेक्नीशियन, एचवीएसी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मेन लाइट फिटर, वेल्डिंग इंजीनियर, मैकेनिकल हेल्पर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, मेन लाइट फोरमैन, जंबो ड्रिल ऑपरेटर, बूम ट्रक ऑपरेटर, मेन लाइट सुपरवाइजर, टर्न अराउंड सच डेवल परमिट कोऑर्डिनेटर एंड शट डाउन सुपरिटेंडेंट का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। इसके अलावा ईओटी क्रेन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पब्लिश किया गया। ये जो भी रिक्वायरमेंट है जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू ये रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करने का प्रोसेस मेल आईडी अवेलेबल है, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज तो क्लियर कर सकते हैं। दिल्ली, चेन्नई, बड़ौदा, कोची, अबूधाबी, मुंबई का नंबर यहाँ पर मैंशन किया गया। तो डायनमिक की बात करें, अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट और पब्लिश किया गया यहाँ पे फर्नांडिस की तरफ से, कुछ रिक्वायरमेंट फर्नांडिस एसोसिएट, जो कि एक भाई ऑलरेडी अप्लाई किए, उनका कहना है कि अच्छी कंसल्टेंसी है, हमारे हिसाब से भी कंसल्टेंसी अच्छी है। वी आर हायरिंग विद अ रिप्यूटेड फोर स्टार होटल यूएई शारजा का कुछ रिक्वायरमेंट है, फोर स्टार होटल के लिए यहाँ पे कुछ हायरिंग चल रहा है। तो कौन कौन से पोस्ट का हायरिंग है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया, तो कंप्लीट डिटेल्स जान लेते हैं इसके बारे में। रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है जो कि फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बीएचएम एंड एज लिमिट 30 साल तो होना चाहिए, शुड हैव एलिजिबल टू कम्युनिकेट अरबिक एंड इंग्लिश, अरबिक आनी चाहिए भाई, तो यानी कि रिटर्नर तो ही अरबिक आएगा, फ्रेशर को तो आएगा नहीं। सेफ ऑलराउंडर की रिक्वायरमेंट है, अरबिक एशियन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी, नॉलेज बोथ अरबी एंड एशियन क्यूसीएस नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे एफबी सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट, हाउसकीपिंग का रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से रीड कर ले, एज लिमिट वगैरह मेंशन है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस किस फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस बेल बॉय का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया। सैलरी मेंशन नहीं है, सैलरी के बारे में आपको कन्फर्म करना पड़ेगा ऑफिस से। और बात करें अप्लाई करने का प्रोसेस, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, मेल आईडी अवेलेबल है, मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वायरीज हो तो सिंपली मेल के थ्रू आप क्लियर करें। कंसल्टेंसी की बात करें, फर्नांडिस एसोसिएट अच्छी और जेन्युइन कंसल्टेंसी है, रजिस्टर्ड है, ज़्यादा पुरानी नहीं, ये 2000 के रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, 1000+5 है, बट ये अच्छी कंसल्टेंसी, अंधेरी में ये अवेलेबल है, सिंपली मुंबई में अवेलेबल है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया, जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे ITL की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग लीडिंग इंडस्ट्रीज हैवी इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब का, और कौन कौन से पोजीशंस का रिक्वायरमेंट इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ऑटो इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट, ऑटो डेंटर का रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस फोरमैन का रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस गैंग लीडर का रिक्वायरमेंट, हैवी ड्राइवर हेल्पर, मेंटेनेंस इंजीनियर, मैकेनिक का रिक्वायरमेंट है, प्लस मटेरियल कोऑर्डिनेटर, कंट्रोल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एंड इंजीनियर स्पेशलिस्ट, मैन लिफ्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस, पेंटर का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया।
इसके अलावा यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर प्लस सेक्शन हेड का भी रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजर टायर सुपरवाइजर वर्कशॉप मैनेजर एंड QA/QC इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। पब्लिक के गल्फ एक्सपीरियंस विल बी ए प्रिफर्ड कीजिएगा, फ्रेशर भी का चांस मिल सकता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि फ्रेशर अलाउड नहीं है। तो जहाँ पे ये चीज़ें प्रिफर्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका लक आपका टैलेंट डिपेंड करता है, आपको जॉब मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल, मेल कर सकते हो, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज कॉन्टैक्ट करें, क्लियर करें। और बात करें कंसल्टेंसी की, ITL बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एम्स इंटरनेशनल की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि UAE का रिक्वायरमेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द अलजदा असिगमेंट मैनेजमेंट ग्रुप, ये पहले भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया था इसी कंपनी का। तो कुछ और भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया सेम कंपनी का, यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में होने वाला है, 23 अक्टूबर को होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस चल रहा है, तो आप विजिट करें ऑफिस या मेल करें। या बात करें पोजीशंस के लिए, यहाँ पे सुपरवाइजर चाहिए, सिविल के लिए सुपरवाइजर चाहिए, HVAC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, पेंटर, सुपरवाइजर, MEP के लिए चाहिए, AC टेक्नीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर का रिक्वायरमेंट, एट्रैक्टिव सैलरी रहेगा, इमीडिएटली डिपार्चर है, इमीडिएटली डिपार्चर ऐसे सभी लिखते हैं, तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप तसल्ली से सारा काम करें। कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैंडिडेट के पास में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड कैंडिडेट होल्डिंग ITI आपके पास में होना चाहिए, और डिप्लोमा हो तो और बेटर है। आपको क्या क्या आना चाहिए, एज ए रीड एंड राइट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बंदे को आना चाहिए, पता नहीं इंग्लिश से क्या करेगा, मेसन और कारपेंटर इंग्लिश से क्या करेगा पता ही नहीं लगता। तो ये भी ऐसा है कि भाई स्टडी बहुत ही कंपलसरी, अगर आपके घर में कोई नहीं पढ़ रहा तो समझाएं भाई पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के आजकल कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। देख रहे हैं एक लेबर कैटेगरीज में जाने के लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो ओनली शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट उनको अलाउ किया जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए। अप्लाई करने के लिए आप मेल आईडी वाले मेल कर सकते हो, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज कॉन्टैक्ट करें, क्लियर करें। बात करें एम्स इंटरनेशनल की जो कि अच्छी कंसल्टेंसी, जेन्युइन कंसल्टेंसी, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये मुंबई की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी, 1000+5 एंड 1992 की ये रजिस्टर्ड, इसे ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो ये था हमारा अब तक का कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक करें, क्यों पसंद नहीं आया ये हमें ज़रूर लिखें, ताकि हम कोशिश करेंगे अपने अंदर सुधार करने के लिए, और जो भी कुछ भी ऐसी कमी होगी तो उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आता है सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने भाई और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन नॉलेज पहुँच पाए। चलिए फिर कुछ कमेंट्स, कमेंट्स की बात करें, अगर आपने भी कुछ कमेंट किया है तो आपका आंसर मिलेगा। चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ पे कमेंट्स आया, यहाँ पे अंसारी शहदाब यहाँ पे लिखते हैं सिगुल कैसी ऑफिस जी, सिगुल अच्छी ऑफिस है, भरोसा कर सकते हैं उसमें। अशरफ रज़ा लिखते हैं फर्स्ट व्यू, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट व्यू के लिए। MD OIC लिखते हैं यहाँ पे भाई हैदराबाद में ऑफिस है क्या, जी हाँ बिल्कुल ऑफिस है, हम वीडियो में बताते हैं, आप पिछला 2-4 वीडियो चेक कर लें आपको पता लग जाएगा। महेंद्र प्रसाद यहाँ पे लिखते हैं, महेंद्र प्रसाद लिखते हैं कंक्रीट बेस्टिंग प्लांट ऑपरेटर का मेंटेनेंस का वैकेंसीज बताइए जी, जरूर बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। चांद अली लिखते हैं यहाँ पे, आप विनर प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप सब कुछ तो बता देते हैं उसके बाद भी बहुत होता है, देखिए सब कोई टैलेंटेड हो तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है, और सबको सब पता हो तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इतनी मेहनत करने की, ऐसा नहीं है, किसी होता है कुछ लोगों को पता नहीं होता है, फिर उसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं जिन्हें नहीं पता उन्हें और पता लगा, जिन्हें पता उन्हें और ज़्यादा जानकारी हो, इससे कोई हमें ऐतराज़ नहीं है। अजमुद्दीन खतार लिखते हैं यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपके वीडियो से बहुत ही गरीब भाइयों को मदद मिलता है, क्यों पैसे वाले को मदद नहीं मिलता है क्या, मदद तो मदद हुआ, पैसे वाले के गरीब के लिए कुछ ऐसा नहीं, हमारा मोटो यही है बस, आप फंसे नहीं किसी भी तरह के धोखे में नहीं पड़े, पैसा आप बस कम है ज़्यादा ये अलग ये बात है, उसे कोई मैटर नहीं करता, बट जो भी आप खर्च करें वो जेन्युइन खर्च करें, इतना ही चाहता है बस। मिथिलेश कुमार बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सिकंदर आलम लिखते हैं गुड मॉर्निंग योर वीडियो गुड, थैंक यू वेरी मच सिकंदर जी। शेख जफर बासु यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, आपको बहुत सारे बंदों का यहाँ पे जो हैशटैग डालने के बाद भी उनका यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने या तो वीडियो को लाइक नहीं किया होता है, या फिर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है, या फिर बेल आइकन नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी आपका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है विनर में, तो प्लीज़ इस चीज़ को जरूर चेक कर लें अगर आप चाहते हैं विनर में नाम आए तो। और खासकर मिथिलेश कुमार जो बार बार मैसेज करते बाद एक बार भी उनका नाम हमने नहीं देखा अभी तक। प्रोफैक्ट बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज के लिए। गौसे आजम बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान अली हैदर जी हाँ शुक्रिया। नियामत अली बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज के लिए। अब्दुल करीम जी शुक्रिया। अब्दुल करीम लिखते हैं बहुत प्यारा वीडियो, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल जी। शंकर साहिल यहाँ पर लिखते हैं भाई दुबई का वीज़ा कैसे चेक
किया जाए। दुबई वीज़ा चेक करने के लिए आप वीडियो को यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे एक लिंक है वीडियो वीज़ा यूएई वीज़ा चेक खोल के, उसे क्लिक करेंगे और पूरा प्रोसेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वीज़ा के थ्रू चेक, पासपोर्ट के थ्रू चेक करेंगे, पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा पूरा वीज़ा का डिटेल। गोविंद चौहान ये लिखते हैं, भाई पामा इंटरप्राइज के बारे में बताएं। पामा कुछ उतना कुछ खास नहीं है। गुड्डू सिवान बिहार लिखते हैं, सुपर जॉब, थैंक यू वेरी मच गुड्डू जी। रुस्तम अली, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रिजवी खान लिखते हैं, मस्त वीडियो है ब्रो, थैंक यू वेरी मच जी खान साहब। अब्दुल करीम लिखते हैं, भोजपुरी वर्सन ओके भाई, थैंक यू वेरी मच जी। क्रैक रिएक्शन लिखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे भाइयों को हमने व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ। हाँ, एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे लोगों को हमने व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि अनयूज़ जो मतलब कमेंट्स ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हम समझ रहे चीज़ को, और विदाउट इंस्ट्रक्शन फॉलो किया हमने बताया। अगर व्हाट्सएप पर आप हम मैसेज कर रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट पहले भेजा करें हमारे चैनल का, कि आपने हमारे सब्सक्राइबर है या नहीं है हमें पता लगे, क्योंकि हम जिसे रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए ये फैसिलिटीज अवेलेबल है व्हाट्सएप पे। और वैसे कोई भी कमेंट कर सकता है यूट्यूब वीडियो में, कोई इशू नहीं है, बट सब्सक्राइबर ही ओनली अलाउड है व्हाट्सएप पे कमेंट्स करने के लिए या फिर पूछने के लिए या फिर मैसेज करने के लिए। तो पहले स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, और जो दो तीन बार में नहीं समझ रहा उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। यूवेसी जैदी लिखते हैं यहाँ पे, हेलो सर, फार्मेटिकल हॉस्पिटल के लिए, फार्मेटिकल हॉस्पिटल के लिए बहुत सा जॉब था इस वीडियो में, पिछले वीडियो में देखें आप, एक दो वीडियो चेक करें उसमें केमिस्ट फार्मेसी ऐसा कुछ जॉब मेंशन किया हुआ, याद तो नहीं बट है। तौहीद अहमद लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद जी। ओवैसी ज़्यादा लिखते हैं, नर्सिंग में इसमें फार्मेटिक की नहीं है, फार्मेटिक का है भाई, हम अपलोड करने वाले हैं, दो तीन वीडियो चेक करें पिछला। ताहिर अली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है यूपी में, यूपी वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लखनऊ में भी रिक्वायरमेंट जा रहा है तो लखनऊ तो यूपी में ही आता है, तो चेक करें आप वहाँ पे, ऐसा नहीं है, हर जगह जो भी अपडेटेड होगा बताया जाएगा आपको। मुन्ना शेख, लव योर वीडियो, ड्रग फिटिंग वर्क के बारे में कुछ हो तो बोलिएगा मुंबई। जी हाँ बिल्कुल बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अनवर खान लिखते हैं यहाँ पे, भाई आर के ऑफिस में पोलैंड में अप्लाई किया, 4 महीने हो गया, जवाब नहीं मिला। और वो हाँ ये ऐसा ही है थोड़ा, तो इसके लिए थोड़ा आप चेक करें, अर्जेंट या लिखते हैं बट क्या अर्जेंट होता नहीं उतना। तो जहाँ भी पासपोर्ट आप सबमिट करते हैं जमा करते हैं, तो पासपोर्ट जमा करने के लिए ये कन्फर्म कर लें कि इंटरव्यू का डेट कौन सा है, उस डेट अगर इंटरव्यू का है तो पासपोर्ट जमा करें, वरना सीवी से ही काम चलाएं। विशाल रीमाल लिखते हैं यहाँ पे, भोजपुरी वर्ल्ड सिवान, आपकी वीडियो में फिर आने लगा हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आप आने लगे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप वापस आए हमारे वीडियो पे। वीज़ा चेक करना था, वीज़ा चेक करने के लिए हमने बताया ना उमर फारूक जी, वीज़ा चेक करने के लिए लिंक अवेलेबल वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करेंगे एक साइट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स अपना डालेंगे, वीज़ा ऑटोमेटिक बता देगा सही है या नहीं, वैलिड है, कितने दिन का, पूरा डिटेल मालूम पड़ जाएगा वहाँ से। समीर अली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर आपके पास बार्बर का वांड हो तो बताना भाई, जरूर बताएंगे इंशाल्लाह, बने रही वीडियो में कंटिन्यू। जहांगीर से एक लिखते हैं, सुपर भाई, सुपर वीडियो है, मैं कोलकाता से हैं, केवन आचन जहांगीर भाई, भालो ही। तो गुलाम मुस्तफ़ा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम जनाब। नसीर जिया लिखते हैं, अभी गुड जॉब भाई, थैंक यू वेरी मच जी नसीर जी। रमीज से एक लिखते हैं, डक्टिंग फैब्रिकेटर का कोई वैकेंसी है भाई? जी हाँ बहुत सा वैकेंसीज है लेकिन फिलहाल नहीं है, तो आप इंतज़ार करें थोड़ा। एमडी शाहवाज मैसेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा अब तक कंप्लीट रिक्वायरमेंट, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा आपको, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, पहले बार चैनल विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।